लड़ाई जारी है। दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ और यहां तैनात एक जवान को गोली भी लगी। वॉरजोन की तरह ही डरावना अपडेट ईरान से आया है, जहां इसराइल ने एक नई तरीके का हमला करना शुरू कर दिया है। एक अक्टूबर को ईरान ने जहां टारगेट सेट किए थे वहीं पर 200 मिसाइलें गिरी, फटी और इसराइल धुआं धुआं हो गया। लेकिन अब खामेनेई के ऑर्डर पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बटन दबने के बाद इन्हीं मिसाइलों को इसराइल कंट्रोल में लेकर टारगेट सेट कर सकता है। ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है, लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे, कैसे उनके वॉकी टॉकी बम बन गए थे। इसराइल ईरान को भी उसी तरह दहला सकता है, इसकी रिहर्सल हो गई है। इसराइल हमास और हिजबुल्ला के बाद तीसरे नंबर पर तेहरान का दहलाना तय है। इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाजा की इन तस्वीरों से समझिए। शुक्रवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शांत हुआ, लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए, 90 की जिंदगी दांव पर लगी है। इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेरहमी से पीट रहा है, लेकिन रफा में कासिम ब्रिगेड जोरदार पलटवार करने लगी है। कासिम ब्रिगेड ने इसराइल के दो टैंक और बुलडोजर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अल जनैना इलाके में यासीन 105 एंटी आर्मर विस्फोटक गोले का इस्तेमाल करके इजरायली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुलडोजर को बर्बाद किया गया है। हालांकि हमास और हिजबुल्ला दोनों को तेहरान से आए अलर्ट ने सन कर दिया है। ईरान में 11 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान की मिसाइल लॉन्च तो होगी, लेकिन फटेगी वहां जहां नेतन्याहू चाहेंगे। हिजबुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन फटेंगे वहां जहां इजराइल की आर्मी तय करेगी। हमास और हूती के हथियारों का यही हाल होने वाला है, इजराइल के दुश्मन अब अपने ही हथियारों से जलेंगे। नेतन्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है, इजराइल हाईटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है। पहले गजा, फिर बेरूत और अब तेहरान का नंबर। इसराइल के टारगेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है। एक एक कर दुश्मनों का सफाया, शहरों की बर्बादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडरशिप का खात्मा। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्ला को जिस तरह कुचला है उससे भी खौफनाक अंजाम ईरान को भुगतना पड़ सकता है। इसका ट्रेलर 11 अक्टूबर को इसराइल ने दिखा दिया है। शनिवार को ईरान की वर्ल्ड लाइफलाइन हैक कर दी गई थी। इसराइल ने ऐसा कुछ किया जिससे तेहरान में कोहराम मच गया। आधी रात को इसराइल वॉर रूम ने ये मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है। ईरान में साइबर अटैक हुआ, इस अटैक के मायने क्या है, क्या ईरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है, डिटेल डरावनी है, इसराइल के दुश्मनों के लिए भयानक। जानेंगे नेतन्याहू का मोस्ट पावरफुल वॉर प्लान, 200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रिंट। मगर वॉर जोन का ये विध्वंसक दृश्य देखने चलिए। हाइफा, गैलीली और लेबनान बॉर्डर पर इसराइल की जमीन जल रही है। हिजबुल्ला ने हाइफा को बेहिसाब रॉकेट से छलनी कर दिया है। रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराइल को झुलसाती रही। जब हाइफा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धरती थर्रा रही थी। बेरूत के आसमान में काला धुआं 12 अक्टूबर की सुबह तक उठता रहा। इसराइल ने अंधाधुंध हमले के साथ लेबनान में हिजबुल्ला को 22 शहरों में डेथ वारंट का इश्तेहार छापा है। इसराइल ने लेबनान के एता अल शाब, रामिया और हनीन जैसे 22 इलाके हिजबुल्ला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिए हैं। IDF ने 22 इलाके खाली कर अल अवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है। दक्षिणी लेबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने लेबनान के माइसरा केसरवेन पर भीषण हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान के बारजा में भी IDF ने जंगी जेट से बेहिसाब बम बरसाए हैं। उधर बेरूत में भी इसराइल बारूद की मात्रा कम नहीं पड़ने दे रहा है। इस बीच बेरूत में मारे गए हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स और ईरान के कमांडर के शवों की शिनाख्त भी हो गई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के टॉप कमांडर अब्बास नील फुरुशान की डेड बॉडी भी मिल गई है।
आईआरजीसी कमांडर अब्बास की मौत नसरल्ला पर हुए हमले में हुई थी।